वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। नर्मदे हर लास्ट वीडियो यानी नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड 56 में मैं राजपिपला से सुल्तानेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचा था। आज के इस वीडियो यानी नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड 57 में मैं सुल्तानेश्वर मंदिर और यहाँ घाट पे काफ़ी खूबसूरत आरती होती है उसके बारे में दिखाऊंगा। जब तक आप उन्हें अनुमति नहीं देते तब तक आपको खुश या दुखी करने की शक्ति किसी में नहीं है। मेरा नाम मनोज उपाध्याय है और अभी मैं हूँ सुल्तानेश्वर में। तो सुल्तानेश्वर में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे रूम मिल गया मुझे, तो मतलब पहले से बात हो ही गई थी, तो रूम भी मिल गया। यहाँ सामने सुल्तानेश्वर मंदिर भी है तो वहाँ पे भी दर्शन कर लेंगे और यहाँ पे घाट भी है तो घाट में काफ़ी अच्छी आरती होती है तो वो भी देख लेंगे। और यहाँ पे साथ में लग रहा है कि यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो पीछे वाला हिस्सा ना वो दिख रहा होगा। अभी आपको जो पीछे दिख रहा होगा ये सुल्तानेश्वर मंदिर है, उसके एग्जैक्ट सामने यहाँ पे रूम्स के लिए है। पर अभी सबसे पहले मैं घाट पे जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे दर्शन करना है, क्योंकि वहाँ पे क्या बड़ी आरती मस्त आरती होती है। और क्या ना कि गूगल मैप पे एक अलग सा रास्ता दिखा रहा है, मतलब आप सुल्तानेश्वर लिखोगे तो पूरा ऐसे घूम के दिखा रहा है। तो मैंने किसी को भैया को पूछा कि सुल्तानेश्वर जाने का रास्ता कहाँ है, तो किसी भैया ने बोला कि ये वाला जो लाइट्स आ रही है वहाँ पे ऊपर चले जाओ। मैंने बोला यार गूगल मैप पे तो दिखा नहीं रहा। बोलते कि हाँ वो नया रास्ता बना है, तो आपको रास्ता दिखाता हूँ। अगर आप आओ सुल्तानेश्वर तो आपको गूगल मैप से आ रहे हो तो आपको पूरा घूम के ना आना पड़े, बस यहाँ पे एक स्ट्रेट रास्ता बना है जो आप सीधा सुल्तानेश्वर ही पहुँचोगे। आप नया रास्ता ही बना है, पूरा एक ढाल वाला है स्लोप, तो एक पूरा नया रास्ता ही बना है स्लोप वाला। तो ये एक स्लोप है और यहाँ पे सुल्तानेश्वर मंदिर है और सामने रूम के लिए है। तो देखो और सामने आपको जो दिख रहा होगा ये नर्मदा नदी है। यहाँ पे सामने आई थिंक सो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिख रहा है, मतलब उसका पीछे का हिस्सा दिख रहा है, पर शायद अभी तो अंधेरा होना है इसलिए शायद से दिखेगा नहीं था, क्लियर भी नहीं आएगा। पर सुबह मैं यहाँ पे कोई अंकल होगा तो उनको पूछूंगा एक बार कि यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसा दिखता है, तो मैं आपको भी सुबह दिखाऊंगा। वैसे तो मैंने विजिट किया हुआ है पर वापस से देखने में मैं एक्चुअली मैं आ रहा था। हाँ देखो वहाँ से दिख रहा है, वो दिख रहा होगा वो वाला स्टैचू ऑफ यूनिटी का पीछे का हिस्सा है। अभी ज़्यादा करूँगा तो फोटो पूरा ब्लर हो जाएगा, अभी आपको सुबह दिखाऊंगा। और ये देखो ये पूरा नया रास्ता ही बना है, ये लाइटिंग वाला ये पूरा मतलब ऐसे ढाल है और यहाँ से आप ऊपर भी आ सकते हो, यहाँ पे व्हीकल्स भी आ सकते हैं। और पूरा सुल्तानेश्वर मंदिर और काफ़ी मस्त लाइटिंग की हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधा है और यहाँ पे एक रास्ता भी है तो वहाँ से भी जा सकते हो, पर सब लोग यहाँ से जा रहे हैं ना तो वहाँ से ही जाएंगे। बीवेयर ऑफ क्रोकोडाइल, काफी खूबसूरत लग रहा है।
तो अभी मैंने यहाँ पे घाट पे बड़ी खूबसूरत आपको आरती दिखा दी, तो अभी मैं आपको यहाँ पे सुल्पानेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे बोर्ड पे कुछ ऐसे हिस्ट्री लिखी हुई थी कि सुल्पानेश्वर महादेव मंदिर गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में आया हुआ है और नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। राजपिपला से सुल्पानेश्वर महादेव मंदिर की दूरी करीबन 21 किलोमीटर है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन केवड़िया रेलवे स्टेशन है जिसकी दूरी 8 किलोमीटर है। केवड़िया रेलवे स्टेशन नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। प्राचीन सुल्पानेश्वर मंदिर वर्तमान सरदार सरोवर बांध से 5 किलोमीटर ऊपर की ओर मनीबेली गांव महाराष्ट्र के पास नर्मदा और देवगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। मंदिर को नर्मदा के तट पर सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के आधार पर इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी और साथ ही यह एक स्वयंभू लिंगम भी था। हिंदू धर्म के विभिन्न पवित्र पुस्तक जैसे अग्नि महापुराण, कंद महापुराण, वायु पुराण और कई अन्य इसे सुल्पानेश्वर मंदिर को नर्मदा नदी के तट पर स्थित पवित्र तीर्थों में से एक रूप में वर्णित करते हैं। यह मंदिर दुर्ग पर्वत के बहुत करीब माना जाता है और घने जंगल और सुरम्य सुल्पानेश्वर झरने के बीच स्थित होने के लिए जाना जाता था। स्कंद पुराण के अनुसार यह पवित्र मंदिर पापों का नाश करने वाली कुल्हाड़ी के समान है। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षसों का संहार किया है। इस त्रिशूल पर लगे खून के धब्बे कभी मिटते नहीं थे और इस पर स्थायी रूप से बने रहते थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जंगलों में घूमते हुए इस स्थान पर पहुंचे जहां अपने त्रिशूल से जमीन से टकराने पर पानी की एक धारा बह निकली जिससे उनके त्रिशूल के खून के धब्बे दूर हो गए। त्रिशूल के इस बहते पानी से रक्त के धब्बे नष्ट होने से अंततः भगवान शिव की पीड़ा समाप्त हो गई और इस तरह इस मंदिर का नाम सुल्पानेश्वर पड़ा। फरवरी 1994 में सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कारण यह मंदिर सरदार सरोवर जलाशय के जलमग्न हो गया था, लेकिन गुजरात सरकार ने नए सुल्पानेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए गोरा पुल के बाई और 160 फीट ऊंचे स्थान पर जमीन का एक टुकड़ा आवंटित किया था। मंत्रोच्चार के बीच विधिवत निर्धारित धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए 7/5/1994 को एक नए सुल्पानेश्वर मंदिर को जीवंत किया गया। पूरे कार्यक्रम को तत्कालीन शंकराचार्य और अन्य धार्मिक पुजारियों के मार्गदर्शन और परामर्श के तहत मनाया गया था। अब से लगभग 70 फीट ऊंचा नवनिर्मित सुल्पानेश्वर मंदिर तीर्थयात्रियों के साथ साथ मां नर्मदा के परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए भक्ति का केंद्र बन गया है। हर साल चैत्र महीने के 13-14 तारीख को इस स्थान पर महाराष्ट्र के स्थानीय लोग, आदिवासियों और वनवासियों द्वारा मेला आयोजित किया जाता है। इन नए सुल्पानेश्वर मंदिर में भी कई लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। न्यू सुल्पानेश्वर मंदिर वास्तव में धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। तो ये थी सुल्पानेश्वर मंदिर की हिस्ट्री। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड 58 में मैं सुल्पानेश्वर महादेव मंदिर से रामगढ़ तक पहुँचूंगा। मैंने अपने चैनल पर करीब 230 से अधिक वीडियोस बनाए हैं जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो।